प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना महिलाओं और युवाओं के जीवन में एक सुखद बदलाव लेकर आ रहा है। इस योजना के माध्यम से मिले प्रशिक्षण से वे अपने हुनर को निखार कर जीवन को एक नई दिशा भी दे रही है। इस योजना से प्रदेश के बुरहानपुर जिले में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। बुरहानपुर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र जिला का पहला ऐसा केंद्र है जहां पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चटाई, झाड़ू, टोकरी, केले के रास्ते से मेड बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका शुभारंभ पिछले दिनों बुरहानपुर में हुआ। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सभी प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है और विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य एवं महत्व बताया जा रहा है। शिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं ने इस योजना से न सिर्फ नई तकनीकों को सीखा बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। इस प्रशिक्षण से उन्हें बारीकी से उन्नत तकनीकों की जानकारी हासिल हुई है। अब वह अपने गांव में दुकान डालकर व्यवसाय आगे बढ़ा रही हैं और खुद को आत्मनिर्भर कर रही हैं। समाज के समग्र विकास और समृद्धि के मार्ग को सशक्त बनाने में यह योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। राष्ट्रीय स्वरोजगार ग्रामीण मिशन RCT में पीएम विश्वकर्मा के तहत ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। हमने केले के रेशों से बास्केट मेकर में फॉर्म डाला हुआ था, उसमें हमारा नंबर लगा है। अभी हम पहली बेच में हमारा नंबर लगा है, तो हम केले के रेशों पर ही ज़्यादा काम कर रहे हैं और घर पर भी हम केले के रेशों पर ही काम करते हैं। हमारी बहुत सारी ट्रेनिंगें हो चुकी है और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं पुरुष भी हमारे साथ जो हमें काम सीखने के लिए यहाँ आए। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस योजनाओं को लागू करके हमको हमारे घर की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का मौका मिल रहा। हम चाहते हैं कि हमारा व्यवसाय आगे बढ़े, झाड़ू टोकरी जो भी है, क्योंकि रोजगार में भी कहीं जाओ काम करने तो रोजगार बरबर नहीं मिलता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम खुद का ही एक रोजगार बनाए। हम घरेलू काम करके हम खुद से ही अपना कुछ बनाए, हमारी पहचान बनाए। पीएम विश्वकर्मा योजना से हम सब लाभार्थी है और हम यहाँ पे 6 दिन की ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं और यहाँ पे सब महिलाएं पुरुष वर्गों के लोग काम सीख रहे हैं और अभी जो आगे जो मार्केटिंग रहेगी वो भी अच्छे आगे चले। और मैं मोदी जी से और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से धन्यवाद चाहता हूँ कि उन्होंने ये रोजगार चालू किया है और अपने गाँव खेड़े में यही काम करता हूँ। हमने बनाना फाइबर की ट्रेनिंग ली थी, अभी हमने पीएम विश्वकर्मा में फॉर्म भरा था, उसमें हमारा जूट में नंबर लगा है। अभी हम RCT में ट्रेनिंग लेने आए हैं। हम बनाना फाइबर से जो चीज़ें ट्रेनिंग में हमारे को बोली थी वो चीज़ें हमारे को सीखने को मिली, तो हम वो चीज़ें बना रहे हैं अभी भी। तो पीएम विश्वकर्मा से जो माननीय हमारे देश के पंत प्रधान मोदी जी ने जो हमारे लिए सहायता की है घर बैठे बैठे, तो वो हमारे बारे में इतना सोचते हैं, तो हम माननीय पंत प्रधान पीएम मोदी जी को धन्यवाद दिल से देना चाहती हूँ। मैं पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत यह ट्रेनिंग लेने के लिए आई हूँ। यहाँ पर केले के रेशे से बने झाड़ू और टोकरियाँ बनाती हूँ और यहाँ पर हम ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें सीखेंगे, जैसे बनाना के रेशे से, केले के रेशे से बने कैप और बैग हमने बनाए हैं और हम अपने घर वालों को आर्थिक सहायता दे सकते हैं। मैं ट्रेनर हूँ और यहाँ पे अभी हम लोग झाड़ू तथा टोकरी, पर्स वगैरह बनाना सिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ तो सर RCT के अंदर अभी विश्वकर्मा के अंदर ब्रूम मेकर के साथ में झाड़ू, टोकरी, पर्स इसी का ट्रेड, अभी ये वाला ट्रेड बास्केट मेकर का है। तो बास्केट मेकर में हम बास्केट से लेके तो सभी चीज़ें, बनाना फाइबर से लेके तो अदर चीज़ें भी हम लोग सिखा रहे हैं।